हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे हमारे एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरी है वो हमने पढ़ चुके थे, और इनफैक्ट हमारे जो 2.1 एक्सरसाइज है उसका नंबर 1 भी हमने कर लिए थे, और आज हम नंबर 1 के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 2 में हमारे दो बीट्स हैं, दोनों ही बीट हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो इसे करना क्या है, हमें इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों होता क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब होते हैं बड़े से छोटे हमें उसे सजाना पड़ेगा। सबसे बड़े वाले को फर्स्ट, उसके बाद वाले थोड़े, उसके बाद वाले, ऐसे हमें उसे सजाना पड़ेगा। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े, डिक्रीजिंग ऑर्डर माने बड़े से छोटे हमें सजाना पड़ता है। तो डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बड़े से छोटे नंबर को अरेंज करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखिए ये जितने भी है, एक चीज़ यहाँ देखने वाली चीज़ है कि सारे डिनोमिनेटर्स, जितने भी डिनोमिनेटर्स सब अलग अलग हैं। तो हमें उसे सबसे जो पहला स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, सारे डिनोमिनेटर को हम पहले सेम करेंगे। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उसे हम सेम कर देंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सी फ्रैक्शन छोटा है। तो डिनोमिनेटर हमें सेम करने का फिर और एक क्या तरीका है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके जो एलसीएम से जो डिनोमिनेटर है हमें उसकी एलसीएम निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा 9, 3 और 21, इसकी एलसीएम निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पर 9, 3, 21, इसकी एलसीएम देख लेते हैं क्या है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है, हम सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से पहले जाएंगे। तो ये क्या है, 3, 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3, 7 जा। अच्छा, यहाँ पर देखिए किसी के भी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं और एलसीएम हम क्या करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो एलसीएम होगी, ये एलसीएम हमारी कितनी होगी, 3, 3 जा 9, 9, 7 जा 63। तो हमारी यहाँ पर जो होगी 63 हमारी एलसीएम आ गई। अब क्या करेंगे, हमें ये सारे डिनोमिनेटर को 63 करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, सारे डिनोमिनेटर को बच्चों 63 करना है। एक एक करके देखते हैं हम, ये जैसे देखिए यहाँ पर 2/9 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 × 9। अब यहाँ पर देखिए ये जो 9 है, हम 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 होगी, ये देखना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर 63 बनाना है। तो 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 × 2 = 14 और 9 × 7 = 63। हमारे जो ये पहला फ्रैक्शन है 2/9, ये हमारे बन के आ गए 14/63, मतलब डिनोमिनेटर 63 हो गई। सेकेंड वाले को देखते हैं हम यहाँ पर 2/3, इसे भी अब हम क्या करेंगे, 2 और ये 3, इस तरह से हम करके रख लेंगे, उसके बता कि हमें थोड़ा इजी हो। अब देखेंगे हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। देखिए यहाँ पर 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 6, मतलब कि हम अगर 3 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। जो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसे ही हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 42/63। तो देखिए दूसरे फ्रैक्शन भी हमारे 63 आ गए डिनोमिनेटर, यहाँ भी 63 डिनोमिनेटर आ गए। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये सब लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, 2/9 के 14/63 ये लाइक फ्रैक्शन है, 2/3 और 42/63 ये लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक फ्रैक्शन, हमें इसके जो ये सब हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 63 है, यहाँ भी 63 है, और देखिए इसे भी हमें 63 बनाना होगा, तब जाके ये लाइक फ्रैक्शंस बनेंगे। ये देखिए 8/21, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 और 21 इस तरह से लिख के रख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 21 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, या 21 के टेबल में 63 कहाँ पर है ये ढूंढेंगे, तो 21 3 जा, क्योंकि देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब कि ये 21 का टेबल में 63 कहाँ पर है, 21 3 जा, मतलब 21 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं 8 × 3 = 24 और 21 3 = 63। ठीक है, देखिए अब हमारे सारे
डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब जब सेम हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा तो हम इजीली कह सकेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए 63 ये 42 है, 63 ये 14 है, तो सबसे बड़ी जो जिसकी न्यू, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जिसकी न्यूमिनेटर बड़ा वही सबसे बड़ा। तो हम यहाँ पर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहेंगे तो हमारा सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये देखिए ये वाला एक नंबर में है, उसके बाद ये दो है और ये तीन है, क्योंकि सबसे बड़ा ये 42, उससे थोड़ा छोटा 24, उससे छोटा ये 14 है। मतलब कि हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ये 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 इज ग्रेटर देन 14/63, ठीक है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा आंसर ने। लेकिन एक चीज यहां देखने वाली बात है कि ये तो हमने अपने सुविधा के लिए किया, लेकिन क्वेश्चन कौन सी फॉर्म में है वही फॉर्म हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो हमने 42/63 तो यहां लिख दिया, लेकिन ये कौन सी फ्रैक्शन से निकल के आई है, 2/3, तो हम यहां पर लिखेंगे 2/3 इज ग्रेटर देन 24/63, 24/63 कौन सी फ्रैक्शन से आई है, 8/21, तो हम यहां पर लिखेंगे 8/21। अच्छा उसके बाद 14/63 कौन सी फ्रैक्शन से आई है, 2/9, तो ये 2/9। मतलब कि हमारा जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये है, उससे थोड़ी छोटी फ्रैक्शन ये है, उसके सबसे छोटी फ्रैक्शन ये है, तो ये हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये आंसर हो गई, क्लियर है। तो ये हमारा बीट वन इस तरह से सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर है। अच्छा उसके बाद देखते हैं हमारा बीट टू, बीट टू क्या है, आप यहां लिख सकते हो हैंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर आर इज 2/3, 8/21, 2/9, ये राइटिंग पार्ट आप लिख भी लोगे तो चलेगा और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब ये देखिए 1/5, 3/7, 7/10, यहाँ भी क्या है, सारे डिनोमिनेटर अलग हैं, तो हमें डिनोमिनेटर के क्या करना होगा, हमें इस सारे फ्रैक्शन को लाइक बनाना होगा। लाइक बनाने का तरीका क्या है, इसकी हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम निकालते हैं यहाँ पर 5, 7, 10, सबसे छोटे मेंबर को पहले लेंगे हम, देखिए यहाँ पर 5 है, 5, 1, 7 एज इट इज हम उतार लेंगे, फिर ये 7, 5, 2। अच्छा इसके देखिए यहाँ पर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हमारा डिवीजन प्रोसेस को हम यहाँ स्टॉप करेंगे। उसके बाद एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम देखिए 5, 2, 10, 10, 7, 70, ये हमारा 70 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए 1/5 = क्या लिखेंगे, 1 × 5 × अच्छा 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा, ये हमें देखना है। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14, क्योंकि 14 × 5 = 70 होता है, तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे। हम नीचे जो भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले फ्रैक्शन में हम सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 14/70, ये हमारी फ्रैक्शन बन गई 14/70, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर को 70 बनाना है, 70 करेंगे जब भी जाके ये लाइक फ्रैक्शन, सारे लाइक फ्रैक्शन में बन जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद देखिए ये हमारा जो है 3/7, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, 7 के टेबल में देखेंगे 70 कहाँ पर है, या 7 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 70 होगा, 7, 10 यहाँ पर लिखेंगे 7, 10 जो भी हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 10, 3 क्या यहाँ पर 30 और 10, 7 = 70, तो देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब हमें क्या करना है, थर्ड वाले को भी हमें लाइक फ्रैक्शन में बनानी है, देखते हैं इसे भी 7/10, ये 7 × और ये 10 × 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, 10 में हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 7 = 70, उसी 7 को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7, 7 = 49/70। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए, मतलब ये सारे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, 14/70, 30/70, 49/70। तो हम इसे क्या करना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़े से छोटे करना है, तो सबसे बड़े वाले कौन सा है, देखिए 49 सबसे बड़ा है, 30 उससे थोड़ा छोटा है, 14 सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ये उससे थोड़ा छोटा है, ये उससे थोड़ा छोटा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा जो डिक्रीजिंग हैंस द डिसेंडिंग ऑर्डर इज, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं हैंस द
डिसेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन है जो डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो ये क्या है 49/70 इज ग्रेटर देन 30/70, ये 30/70 इज ग्रेटर देन 14/70, मतलब कि सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन 49/70 उससे थोड़ी छोटी 30/70 उससे थोड़ी छोटी 14/70। पर यहाँ पर अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन निकल के आई है हमारे क्वेश्चन में तो ये नहीं है, पर ये फ्रैक्शन आई कहाँ से, वही जो क्वेश्चन में है वही नंबर हमें लिखना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 49/17 कहाँ से आई है, 7/10, तो ये 7/10 इज ग्रेटर देन क्या है, ये 3/7, ये 3/7 इज ग्रेटर देन 14/70 कहाँ से, ये 1/5 से, तो ये हमारी 1/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर वन तो पहले ही वीडियो में सॉल्व कर चुके थे, ये नंबर टू के जो बीट वन बीट टू दोनों ही हमने सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर थ्री में क्या है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं हमारा नंबर थ्री। ओके, नंबर टू हम सॉल्व कर चुके हैं, अब नंबर थ्री सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, एक बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ सारे फ्रैक्शंस, और यहाँ पूछ रहा है इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है, ये हमें सवाल कर रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि मैजिक स्क्वायर क्या है। तो मैजिक स्क्वायर वो है बच्चों, अगर कुछ ऐसे इस तरह के अगर बॉक्स बना करके नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैजिक स्क्वायर वो बॉक्स होता है जिसके अगर सारे रो प्लस किए या सारे कॉलम प्लस किए या डायगोनल प्लस करेंगे तो सारा आंसर जो आएगा सेम ही आना चाहिए। माने ये जितने फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के सम करेंगे जितना आंसर आएगा, सेकंड रो को अगर सम करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए, थर्ड रो कॉलम सारे के आंसर सेम आने चाहिए, वो है मैजिक स्क्वायर। दैट मीन्स मैजिक स्क्वायर इज दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फ्रैक्शंस इन व्हिच द सम ऑफ ऑल द रोज और ऑल द कॉलम्स और ऑल द डायगोनल्स आर सेम। तो हम यहाँ पर एक एक करके हम सॉल्व करेंगे कि सारे रो के सम करके देखेंगे और सारे कॉलम को भी सॉल्व करके देखेंगे, डायगोनल्स को भी सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि ये सेम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम इसे क्या कहते हैं, ये रो कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। तो ये रो वन को पहले हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये रो वन में हमारा क्या क्या है, 4/11, ये है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। ठीक है, तो ये फर्स्ट हम रो वन को सॉल्व करते हैं, सारे को ऐड करते हैं। तो रो वन को जब ऐड करेंगे, यहाँ पर एक चीज देखिए आपके बहुत इजी हो गया, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है सभी के डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम भी वही डिनोमिनेटर ही होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट हम लिख देंगे एलसीएम बना के, यही डिनोमिनेटर जो है वही एलसीएम हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, एलसीएम सेम है, तो सारे ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट ऐड करते हैं हम। तो ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 + 9 + 2, अब सॉल्व कीजिए, 9 + 4 = 13, 13 + 2 = 15, ये हो गए हमारे 15/11। रो वन के आंसर कितने हैं, 15/11। अब देखते हैं रो टू क्या है, रो टू में क्या है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। ठीक है, 3/11, 5/11, 7/11, इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो क्या हो, देखिए यहाँ पर, यहाँ भी सारे एलसीएम हमारे सेम ही आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट हम इसे एलसीएम समझ के उतार लेंगे। और क्या, अगर एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, ऊपर वाले को डायरेक्ट हम ऐड करेंगे, ऐड करते हैं 3 + 5 + 7, ये 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, 15/11, मतलब अभी तक हमारा ठीक ही चल रहा है, 15/11 15/11, इस तरह से सारे रो और सारे कॉलम के आंसर सेम आने चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं आप रो थ्री में क्या है, ये 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 11। फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे क्योंकि एलसीएम सेम ही है, चेंज होना नहीं है, तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं,
ये देखिए 8 + 1 9 9 + 6 15 15 by 11 अभी भी 15 by 11 अभी तक ठीक ही चल रहे हैं। चलिए अब कॉलम वन से आते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कॉलम को, ये रो हमने देख लिए, अब कॉलम चेक करते हैं। तो ये कॉलम वन, कॉलम वन को देखते हैं, ये 4 by 11 + 3 by 11 + 8 by 11 देखिए यहां पर 8 by 11 ये कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तो ये 8 by 11। चलिए 11 एलसीएम, इसके 11 ही है। अच्छा ऊपर वाले को डायरेक्ट प्लस करना है हमें, 4 + 3 7 7 + 8 15 15 by 11। चलिए उसके बाद कॉलम टू, कॉलम टू को चेक करते हैं, ये क्या है 9 by 11 + 5 by 11 + 1 by 11 1 by 11। इसे भी सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम क्या होगा 11, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट प्लस करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर को, 5 + ये क्या है 1 by 11, तो ये हम 1 है, इसे हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 9 + 1 10 10 + 5 15, तो ये हो गया हम 15 by 11। अच्छा उसके बाद कॉलम थ्री, लास्ट कॉलम चेक करते हैं, कॉलम थ्री क्या है हमारे, देखिए 2 by 11, ये 2 by 11 प्लस 7 by 11 प्लस 6 by 11, एलसीएम 11, सारे प्लस करते हैं हमारे न्यूमरेटर्स को, 2 + 7 + 6 7 + 2 9 9 + 6 15, इट इज 15 by 11। मतलब कि सारे रो सारे कॉलम्स के आंसर अभी तक सेम आए, अभी भी हमारा मैजिक स्क्वायर ये हुआ है कि नहीं कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम डायगोनल्स भी प्लस करना है, ये हमारी डायगोनल 1 ये डायगोनल 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल हमारा 1 लेते हैं, डायगोनल 1, ठीक है, ये हम D1 ले लेते हैं डायगोनल 1 को, इस तरह से D1 डायगोनल 1 ऐसे हम समझेंगे। लेते हैं यहाँ पर 4 by 11 + 5 by 11 + 6 by 11, ये हमारी डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, या फिर आप इसे डायगोनल 1 इसे भी डायगोनल 2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा आइए यहाँ पर ये हो गया 11, 4 + 6 4 + 5 + 6 प्लस करते हैं 6 + 4 10 10 + 5 15 15 by 11 डायगोनल 2। सेकंड डायगोनल को भी हम देख लेते हैं, 2 by 11 2 by 11 + 5 by 11, इट इज 5 by 11 प्लस ये क्या है 8 by 11 8 by 11 इक्वल टू, ऐड करते हैं 2 + 5 + 8 2 + 5 + 8, ओके 8 + 2 10 10 + 5 15, ये हमारी हो गई 15 by 11, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डायगोनल 1, डायगोनल 2, सभी के आंसर हमारे 15 by 11 15 by 11 हुए। मतलब कि ये एक इज दिस ए मैजिक स्क्वायर, यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर है। हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर, इससे हमें यह पता चला कि ये मैजिक स्क्वायर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिए हैं, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं नंबर 4 देख लेते हैं क्या है, नंबर 3 सॉल्व हो गया, नंबर 4 देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 cm लॉन्ग एंड 10 2/3 cm वाइड, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इस तरह से एक शीट पेपर की एक शीट है, ठीक है। अच्छा उसकी क्या दी रखी है यहाँ पर, लेंथ दे रखी है, ठीक है, ये लेंथ मतलब जो बड़ी वाली साइड है वो लेंथ है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 12 1/2, ये हमारी लेंथ हो गई, और ये क्या है ब्रेथ, ब्रेथ जो है उससे छोटी वाली साइड है, छोटी वाली साइड ये है, तो ये हो गया हमारी 10 2/3 cm, ये हमारा लेंथ और ये हमारा ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है, एक्चुअली पेरीमीटर का मतलब है अगर हम ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ सारे साइड को अगर प्लस कर दें, यानी कि हम जो आउटर बाउंड्री है
या आउटर बाउंड्री को प्लस कर दें तो वही उसकी पेरीमीटर कहलाती है, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर का एक इजी क्या उसका फॉर्मूला भी है, वो क्या है, 2 × length + breadth। अगर हम इसे सॉल्व कर दें, ये हमारे पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूला है, 2 × length + breadth। लेंथ और प्रेस को हम प्लस करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हियर गिवन, ये हमारी सॉल्यूशन, हियर गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ, ये हम उसे लेंथ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर देखिए, 12 1/2 सेंटीमीटर। अच्छा, सॉल्व करते वक्त ये हमें प्रॉब्लम ना करे इसीलिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो क्या कैसे लिखते हैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या तरीका है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए 12 2 = 24 24 + 1 = 25, तो ये 25/2 सेंटीमीटर हमारी लेंथ हो गई। अच्छा, ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है हमारी, 10 2/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 2/3 सेंटीमीटर। इसे भी हम मिक्स है, मिक्स को इम्प्रॉपर कर लेते हैं, 10 3 = 30 30 + 2 = 32, ये 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी लेंथ बन के आ गई 25/2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गए हमारी 32/3 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का पेरीमीटर क्या है, तो हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ठीक है, हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर भी लिखेंगे चलेगा, नहीं तो रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 × length + breadth, ये हमारा फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, इसके बाद 2 × length की जगह में लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारी, 25/2, हम यहाँ पर कर लेंगे 25/2 प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 32/3, हम यहाँ लिखेंगे 32/3 और ये सेंटीमीटर आगे बाहर, ठीक है, इक्वल टू 2 × ये 2 और 3 के एलसीएम निकालना है, 2 और 3 के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 × 3 = 6 इसकी एलसीएम हो जाएगी। अब देखेंगे 2 की टेबल में 6 कहाँ पर है, तो 2 3 = 6, 3 को हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 × 3 × 25, मतलब ये हमारी हो जाएगी 25 3 = 75, ये 75। अब देखेंगे 3 के टेबल में 6 कहाँ पर है, 3 2 = 6, 2 × 32, मतलब हमारे हो गया 64, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये हमारे क्या है 2 और 6, ये हम इसे लोएस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर लोएस्ट कर लेते हैं, 2 1 = 2 2 3 = 6, ये हमारी कट के आ गई 6, ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू ये सब प्लस करते हैं, 5 + 4 इट इज 9, 7 + 6 = 13, ये होगी 13 / 3, अच्छा 139/3, ये हमारी आंसर है, दिस समझ सेंटीमीटर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था, तो हम इसे भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू इसे हम क्या करेंगे, 139/3 था इसे मिक्स फॉर्म में करेंगे, 139/3, ये देखते हैं 3 4 = 12, 1 और ब्रिंग डाउन किया 9, तो ये क्या होगा 3 6 = 18, ओके। तो लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखिए ये जो है हमारा, जब हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे सबसे पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं, मतलब कि हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के कांटे जैसे घूमते हैं उस तरह से हम घूमते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे 46, उसके बाद लिखेंगे ये 1, उसके बाद लिखेंगे 3, ये सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट अगर ना लिखें तो क्वेश्चन में मार्क्स कट सकता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर, 46 1/3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर थी इसकी जो पेरीमीटर निकल गई 46 1/3 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो इस तरह से हमारा नंबर फोर भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नंबर फाइव में क्या है। ठीक, तो बच्चों अब हम देखते हैं कि नंबर फाइव क्या है। ठीक है, नंबर फाइव की क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। यहां पर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। देखिए यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। यहां पर अगर देखें तो ये एक ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो यहां पर जो बीट वन में है ट्राइंगल ए बी ई, मतलब ये ट्राइंगल ए बी ई, इसकी बातें हो रही है। अच्छा, ट्राइंगल उसके बाद क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बी सी डी ई, मतलब रेक्टेंगल बी सी डी ई, ये रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर निकालना यह है हमारे, सबसे पहले ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, फाइंड द पेरीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है, इसकी पेरीमीटर निकालनी है ट्राइंगल की, उसके बाद हम ये रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। दोनों के पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे किसकी पेरीमीटर ज्यादा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो इसे हमें थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार हमें ये ट्राइंगल की पेरीमीटर निकालना होगा और दूसरे बार हमें रेक्टेंगल की भी पेरीमीटर निकालना होगा। तो एक एक करके निकालते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की सिंबल है बच्चों। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी, ए बी ई, यहां पर देखेंगे हम ए बी ई। अच्छा, इसके ट्राइंगल की पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, सम ऑफ द ऑल साइड। तो इसकी क्या क्या साइड है, देखिए ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है पेरीमीटर, मतलब कि ए बी प्लस ये बी ई, ये बी ई साइड प्लस हमारी ई ए, और ए ई भी हम लिख सकते हैं, हम इसे ई ए लिख दिए। चलिए ठीक है, हम एक राउंड में लिख देते हैं, ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, ये सारी बाउंड्री है या साइड है हमारे ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की ऑल साइड का अगर मिलाएंगे तो वही उसकी पेरीमीटर है। अब इसके वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारी देखिए ए बी, ए बी साइड क्या है 5/2, हम यहां पर पुट करते हैं 5/2 प्लस बी ई, बी ई की वैल्यू कितना है 2/3/4, तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं 2/3/4 प्लस ई ए, ई ए की वैल्यू कितना है 3/3/5, यहाँ पर पुट करते हैं हम 3/3/5। और सारे जो इनके यूनिट थे मैंने यूनिट को इधर बाहर सेंटीमीटर में ले गया। ठीक है, बार बार और सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, अगर हम ऐसे ब्रैकेट देके लिखेंगे तो एक बार भी हम सेंटीमीटर लास्ट में लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये देखिए यहाँ पर कुछ मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये 5/2 प्लस 4 2 8 8 और ये 3 11 11/4 प्plus 5 3 15 16 17 18 ये 18/5। ठीक है, ये हमारी सेंटीमीटर इक्वल टू, इसकी एलसीएम लेंगे 2 4 और 5, इसकी एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पर 2 4 और 5 की एलसीएम, 2 1 2 2 और 5 5 ऐसे उतर जाएगा। अच्छा अभी देखिए यहाँ पर ये कोई भी इसके फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 2 4 4 5 20। अब यहाँ पर 20 हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2 के टेबल में 20 कहाँ पर है, 2 10 20 10 × 5 50, यहाँ पर हम लिखेंगे 50। 4 के टेबल में 20 कहाँ पर है, 4 5 20 5 और 11 इंटू करेंगे 5 11, मतलब 11 5 55 प्लस 5 की टेबल में 20 कहां पर है, 5 4 जा, अच्छा 4 × 18 मतलब 18 4 जा हमारा 72 सेंटीमीटर इक्वल टू। अब देखते हैं इसे ऐड करते हैं सारे, ये देखिए 2 + 5 ये हो गया हमारे 7 7 + 5, देखिए 5 + 5 10 10 + 7 17 177/20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं, देखिए ये 2 + 5 + 0 मतलब 5 + 2 7
ये 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 मतलब 177/20। अच्छा एक चीज देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को हम मिक्स करके लिख लेते हैं ताकि हमें कंपेयर करने में सुविधा हो। ये वाली की पेरीमीटर और ये वाली की पेरीमीटर कंपेयर भी करना है हमें, कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 177/20, ठीक है। अच्छा ये कितने बार जाएगा, देखिए ये हम 8 लेते हैं, नहीं कि 8 लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 8 × 0 = 0, 8 × 2 = 16, ठीक है। 20 कितने बार जा रही है, यहाँ पर देखो 10 में क्या मल्टीप्लाई कर, तो 177 होगा, तो वो तो डायरेक्ट 177 नहीं आएगा क्योंकि इसका मल्टीपल नहीं है ये, तो हम उसके आसपास वाले नंबर देखेंगे। तो 28 × 160, इसे माइनस करते हैं हम 70, मतलब 8 17 by 20, हम इसे लिख सकते हैं 8 17 by 20 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की पेरीमीटर निकल के आई 8 17 by 20। अच्छा इसके बाद हमें इसकी भी पेरीमीटर निकालनी है, किसकी, हमारे रेक्टेंगल की, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसे। अच्छा ये हम चलिए, अच्छा इसके बाद हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ हमारा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी निकालते हैं हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अच्छा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन सी रेक्टेंगल है हमारी, देखिए BCDE। अच्छा इसकी रेक्टेंगल की फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं आपको, पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम, 2 × length + breadth। ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वल टू 2 × length की वैल्यू, यहाँ पर कितना है देखिए, अच्छा ये हमारी लेंथ है 2 3/4 प्लस ब्रेथ कितना है, ये हमारी रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेथ 7/6 ब्रेथ है, 7/6 हम यहाँ पर ऐड करते हैं, सेंटीमीटर को हम बाहर लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद 2 × ये देखिए, यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे। क्या तरीका है, 4 × 2 = 8, 8 + 3 प्लस करेंगे 11, 11/4, यहाँ 11/4 और यह 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है यहीं सॉल्व करते हैं इसे। ये देखिए 2 × 4 और 6 की एलसीएम लेंगे, यहाँ पर देखिए 4 और 6 की एलसीएम, 2 × 2 = 3, मतलब कि ये 2 और 3 के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, हम यहाँ पर एलसीएम में क्या ले सकते हैं, 12 लेंगे। अच्छा 4 के टेबल में 12 को ढूंढना है, 4 × 3 = 12, ठीक है 3 × 11 मतलब 11 × 3 = 33, यहाँ पर हम लिखेंगे 33 प्लस, ये क्या है 6 के टेबल में 12 को देखना है, 6 × 2 = 12, 2 × 7 = 14, यहाँ पर हम लिखेंगे 14, ये हमारा सेंटीमीटर, ठीक है इक्वल टू ये 2 × ये प्लस करते हैं हम 4, 5, 6, 7, यहाँ पर 7, ये 3 + 1 इट इज 4/12, 47/12। अच्छा एक अभी देखिए, इसके नीचे 1 है, ये दोनों हम काट सकते हैं, लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, कर देते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, मतलब कि ये 47/6 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी देखिए हमारा 47/6, ये भी एक प्रकार के इम्प्रॉपर है, इसे भी हम क्या मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन करते हैं, यहाँ पर देखिए ये 47/6, 6 × 7 = 42, ये 7 − 2 = 5, 7 × 5 = 6, हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 7/5/6 सेंटीमीटर। अच्छा अभी देखिए हमारा ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की पेरीमीटर कितनी आई हमारे 8 17/20। अच्छा रेक्टेंगल की पेरीमीटर कितनी आई 7 5/6। अच्छा यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो होल, ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये होल नंबर 8 है, होल नंबर 7 है, तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट को देखना नहीं है, होल पार्ट को देखेंगे। ये होल पार्ट में 8 है, ये होल पार्ट में 7 है, मतलब कि ये वाली पेरीमीटर बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस, यहाँ पर पूछा है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, हैंस द पेरीमीटर ऑफ, हैंस द पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल इज ग्रेटर। ओके, मतलब कि यहां पर ट्राइंगल की पेरीमीटर जो है वो हमारी छोटी निकली और ट्राइंगल की पेरीमीटर बड़ी है और रेक्टेंगल की पेरीमीटर छोटी है, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल के हमारे जो पेरीमीटर है 8, ये होल नंबर 8 है और यहां पर रेक्टेंगल में होल नंबर 7 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम ओमिट करते हैं, उसे भूल जाते हैं और ये जो होल पार्ट है उसे हम चेक कर सकते हैं आसानी से। इसलिए मैंने इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में करके दिया है ताकि आपको आसानी हो कंपेयर करने में। तो इस तरह से हमारा नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बाकी के नंबर्स, ठीक है।